अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। अमूमन हर घर में आलू गोभी की सब्जी बनाई जाती है। सभी के अपने तरीके होते हैं, लेकिन हमें वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हम अक्सर ढाबा या फिर शादियों वगैरह में खाते हैं। इस रेसिपी में आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलने वाला है और इसे बनाना भी काफी आसान है। तो आइए आज की मजेदार आलू गोभी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें कटे हुए गोभी डालकर फ्राई कर लेंगे। 400 ग्राम के एक गोभी के फूल को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। इसे 5 मिनट के लिए मैंने नमक वाले पानी में भिगो दिया था, फिर इसे साफ पानी से धो लिया है। इसी तरह आप भी नमक वाले पानी में इसे जरूर डालिएगा, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर अगर कुछ गंदगी होगी तो वो बाहर निकल जाएगा। गोभी को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसमें जो कच्चेपन का फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। तो गोभी फ्राई हो चुकी है, इतना ही फ्राई करना था। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें 1/2 कप तेल और डालकर गरम कर लेंगे। 4 मीडियम साइज के कटे हुए आलू डाल देंगे और इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यह देखिए, आलू भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी गरम तेल में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 4 लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा और एक तेज पत्ता। थोड़ी देर इसे क्रैकल कर लें। फिर इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए डाल देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह मिलाते हुए प्याजों के साथ इसे भून लेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन का रॉ स्मेल खत्म नहीं हो जाता। 1 मिनट के लिए मैंने इसे भी भून लिया है। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें मिलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर पीस कर डाल देंगे। जार के अंदर जो थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ ना, इसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर निकाल लेंगे। मसालों के साथ इसे मिला लेंगे। अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो टमाटर डालने के बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह इन्हें पकाना है, फिर इन्हें भून लेना है जब तक कि तेल इसमें से अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। यह देखिए, मसालों से तेल अलग हो चुका है। इसी स्टेज तक आपको भी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक कि मसाले तेल नहीं छोड़ देता। यह अच्छी तरह से भून चुका है, हमारा परफेक्ट मसाला रेडी है। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू और गोभी डाल देंगे। इन्हें डालने के बाद 1 से 2 मिनट मसालों के साथ इन्हें भून लेना है। तो थोड़ी देर सब्जी को भी मसालों के साथ मिलाते हुए भून लिया है। अब इसमें 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। अगर आपको सूखी सब्जी चाहिए तो 1/2 कप पानी डालकर लो फ्लेम पर इसे पका लीजिएगा, लेकिन मेरी तरह अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो आप इस तरह से पानी डालकर ढककर 8 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए, या फिर तब तक जब तक कि आपकी सब्जी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इन्हें पकते हुए। आलू निकालकर चेक कर लेती हूँ या गले हैं या नहीं। यह देखिए, आलू एकदम परफेक्ट पक चुका है। सब्जी हमारी तैयार है। इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारी मजेदार आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देंगे। तो आइए अब इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप सब्जी का कलर और इसके ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, बिल्कुल हलवाई के यहाँ के गोभी आलू के टेस्ट वाले या मजेदार से सब्जी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी गोभी आलू की सब्जी को आप चपाती, पराठा, पूरी या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। गोभी आलू तो आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिए, यह आपको बहुत पसंद आएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस गोभी आलू की सिंपल सी सब्जी की रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज कुक विद लाडी को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।